इनको बोलो अभी का अभी घर खाली कर दे। क्यों पर? हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैंने पहले ही आपसे कह दिया था, किराए पर फ्लैट सिर्फ फैमिली वालों को मिलेगा। लेकिन आप लोग ये क्या कर क्या रहे हैं? हमारा फ्लैट खाली करवा रहा हूँ, सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, समझा? चले तू अंदर देख। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोगों ने सोसाइटी को झूठ बोला था कि आप लोग शादीशुदा हैं। और वो जो तुमने सर्टिफिकेट दिया है ना, वो जाली है, जाली, डुप्लीकेट, समझा? अभी का भी फ्लैट खाली करो, चलो। ठीक है ठीक है, चिल्लाइए मत, हम लोग खाली कर देंगे। रोमा, कहाँ रखा है मेरा सॉक्स? वहीं पर होंगे, साइड पर। क्या हो गया अमन, कोई भी चीज अपने आप नहीं ढूंढ सकते? कहाँ रखा है तुमने? नहीं मिल रहा मुझे। ये तो रहा, राइट साइड की रोड पर है। लाओ दो। ये लो। थैंक्स। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बंटी को कॉल कर देता हूँ, वो रिया को स्कूल बस तक छोड़ देगा। क्यों? बंटी क्यों छोड़ेगा रिया को? बिल्कुल नहीं। एक बेटी के बाप हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज है कि नहीं? किसी भी अनजान इंसान के साथ तुम अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दोगे? अरे बंटी अनजान कहाँ रहा, 1-1.5 साल से यही तो है। परसों साथ रहने के बाद भी कई लोग एक दूसरे के लिए हमेशा अनजान ही रहते। भैया थोड़ा ध्यान से। अरे लव कर गया। अमन, टिफिन भूल गए आप। चलो जल्दी करो, कितना टाइम लगा? चलो जल्दी, चलो जल्दी यहाँ से। जा रहे हैं ना, चिल्ला क्यों रहे? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तू देख अब मैं क्या करती हूँ। जो करना है कर लेना, जाओ। काम डाउन। चलो यहाँ चला 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 निकाह। रिया बेटा, नानू, अरे बच्चा, चलो गार्डन में चलते हैं। रिया अंदर जाओ, अपनी कॉपी और पेंसिल उठाओ और अंदर जाके होमवर्क करो। चलो जाओ अंदर। अरे बच्ची थोड़ी देर के लिए गार्डन में खेलेगी। पापा प्लीज, इस वक्त रिया की पढ़ाई का टाइम है, रिया कहीं नहीं जा सकती। आप फिर कभी आना प्लीज। रिया बेटा, नानू के साथ खेलने जाना है? हाँ। अमन, रिया कहीं नहीं जाएगी, मैंने कहा ना इस वक्त उसकी पढ़ाई का टाइम है। अमन, जब रोमा मना कर रही है तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो बेटा? माँ प्लीज जाने दो उसे, पापा खुद आए लेने के लिए। जाओ नानू के साथ। आजा आजा आजा। रोमा, पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती तुम? नहीं भूल सकती मैं, कुछ बीती बातें इंसान के मरने के बाद ही बुलाई जा सकती है। यहाँ पे खेलो। हाँ, कुछ होगा मम्मा को बुलाना। ओके ये तो क्या मम्मी? रिया कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, चला गया। क्या हुआ बंटी? सब क्या हुआ? कोई साथ नहीं रिया। आप लोग घबराओ मत, मैं सपेरे का बेटा है ना, बचपन में बहुत सांप देखे ला। आप लोग टेंशन ना लो, मैं अभी पकड़ता है सांप। पकड़ पकड़ जल्दी पकड़। मैं पकड़ता है। मिल गया साहब। मार मार दे। बंटी, इसे ना जला जरूर देना, चोड़े से होते ये बदला लेने जरूर आते। बंटी जला देना उसे। बस घबराते नहीं, इसे स्ट्रॉन्ग गर्ल। हाँ, कुछ नहीं होगा बच्चा, घबरा गई है। घबराएगी ना पुत्र जी, मैं तो कहती हूँ काली पूजा करा देते हैं, वरना इन साहब का क्या भरोसा। माँ प्लीज डराइए मत बच्ची को, अब बार बार वही बातें दोहराएंगे ना तो उसके मन में सांप के लिए डर बैठ जाएगा। आसपास तो कोई जंगल भी नहीं है, फिर ये सांप आया कहाँ से? पुत्र जी, नाग और नागिन का जोड़ा होता है, वो बादल लेने ना जरूर आते हैं। आपको अंदाजा भी आप क्या बात कर रही हैं? ये नाग नागिन जोड़ा, नाग को दूध पिलाना, ये सब बकवास है, कोरी कहानियां हैं सब। हे वाहेगुरु जी, मेरी बच्ची की रक्षा कर, मेरी बच्ची की रक्षा कर। क्या सांप को मारने पर उसकी आंखों में मारने वाले की तस्वीर रह जाती है और फिर सांप का जीवन साथी वो तस्वीर देखकर बदला लेने आता है? शहर की एक सोसाइटी में सांप के निकलने से डर का माहौल पैदा हुआ और जहां डर वहां पूजा पाठ और अंधविश्वास। मां, ये क्या नया नाटक है? ये नाटक नहीं है पुत्र, ये नाग देवता को प्रसन्न करने का तरीका है ताकि वो वापस ना आ जाए दोबारा। जय हो नाग देवता की। तू भी ना रिया, कुछ भी कर दे। खाओ बेटा, देखो मामा ने क्या बनाया है। रिया, अमन, रिया कहाँ है? वो 9th फ्लोर पे गई है। अमन, मैं तुम्हें कितनी बार मना किया ना, उसे 9th फ्लोर पर मत भेजा करो। क्या जरूरत है उसे वहां भेजने की? रोमा, वो तुम्हारे पापा के घर ही गई है। हर बात में इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है? इशू मैं बना रही हूँ अमन, मैं तुम्हें पहले भी कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ कि मुझे नहीं अच्छा लगता रिया पापा के घर बार बार जाए। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? ठीक है, मैं अपनी बेटी को खुद वापस लेकर आती हूँ। ओके? ए बंटी जी साहब, अरे वो ड्रेनेज का पाइप ठीक हुआ या नहीं? अब बस 2 मिनट हो गया। 2 मिनट? तारी 2 मिनट क्या रहे, 25 हो रहे होगा। रिया, रिया उठो वहां से, ये सब उठाओ और चलो घर। अरे मैंने मना किया था यहाँ पर आने के लिए। हाँ क्या है बेटे? अरे अभी अभी तो आई है वो, क्योंकि मैं नहीं चाहती रिया यहाँ पर 1 मिनट भी और रुके। चलो। बंटी, 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 बंटी। ड्रेनेज का पाइप चौक था और इसलिए मैंने बंटी को कहा था कि अंदर जाकर के चेक करे कि क्या है। वो अंदर गया और कुछ थोड़ी देर के बाद में आवाज आई अंदर से, सांप सांप करके। वो बाहर आया दौड़ के और मौत तो सांप के काटने से हुई है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि सांप यहां 9th फ्लोर तक आया कैसे? हमें कैसे मालूम पड़ेगा साहब? बट सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ये सब क्या है? कुछ नहीं सर, पढ़े लिखे मूर्खों का अंधविश्वास। कुछ दिनों पहले हमारी बिल्डिंग में एक सांप निकला था जिसे इस बंटी ने मारा था। तब से इन लोगों को लगता है कि वो सांप वापस लौटेगा अपना बदला लेने के लिए। रोज का यही तमाशा है। सर, मैंने आज तक किसी सांप को 9वें फ्लोर तक चढ़ते नहीं देखा। एक काम करो सर, स्नेक रेस्क्यूअर को बुलाओ, क्योंकि इस खतरे से बिल्डिंग वालों की हिफाजत जरूरी है। यस सर। सांप ड्रेन में चुपके बैठा था। अभी इसमें कैद है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लाइफ में कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है ना तो हमारी संस्था से कांटेक्ट कर लें। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हो गए, बंटी की मौत स्नेक बाइट से ही हुई। ये केस एक्सीडेंटल डेथ का है और कोई संभावना तो नजर नहीं आती। पर एक ही बात समझ में नहीं आई भट्ट, सांप बिल्डिंग के 9वें माले तक पहुंचा कैसे? बॉडी फैमिली को हैंडओवर कर दो। सर, तुम लोग देख लेना, वो सांप ना फिर लौटेगा। ऐसे सांप किसी का पीछा नहीं छोड़ा करते। चुपचाप घर चल, तुझे पता नहीं है बगीचे में से सांप निकलता है। माँ, ये नमक की लक्ष्मण रेखा खींचने से सांप नहीं आएगा क्या? अमन, मैं जो कर रही हूं ना, बस तुम मुझे करने दे। देखो, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से अपने सोसाइटी के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। सब लोग सांप के नाम से बहुत डर रहे। मैं तुम लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सांप पकड़ा जा चुका है, अब सांप से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर वो वापस आ गया तो क्या? क्यों, वो हमारी सोसाइटी का एड्रेस पूछने आएगा क्या? ये बात तो सही है। अरे नहीं, देखो भाई, ऐसा है कि सर्प मित्र वाले का नंबर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है। वो आपकी शंका का निराकरण कर देंगे, तो अभी की डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब अपने अपने घर जाओ, कोई टेंशन मत लो, ठीक है? ये अंधा है क्या बुड्ढा? ये बदतमीज सारा खुद आकर के मेरे को गाड़ी ठोकता है और मेरे को बोलता है अंधा है। तमीज नहीं है तेरे को। गलती किसी की भी हो बुड्ढे, भारी तो तेरे को ही पड़ेगी एक दिन। ए, ठीक से बात कर, समझे ना तू मेरे से? क्या तमीज से? अरे क्या होंगे? अरे पता नहीं आकर के इस तरह से बोलता है। क्या किसको बोला? बुला पुलिस को। वैसी हुई है जैसे सिक्योरिटी गार्ड बंटी की हुई थी। सर, ये भी स्नेक बाइट का ही केस लग रहा है। इसी बिल्डिंग में 2 मौतें हैं और दोनों सांप के काटने से। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। बट सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, और डॉक्टर से कहना तुरंत इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि अब ये केस एक्सीडेंटल डेथ का नहीं, प्लान्ड मर्डर का लगता है। एक सोसाइटी में 2 लोगों की सांप काटने से हुई मौत ने सारे इलाके को हिलाकर रख दिया। सवाल उठ रहा था कि सांप इतनी ऊपर पहुंचा कैसे और उसके डसने का शिकार बंटी और भूषण ही क्यों बने? क्या कोई और भी है जो इस सांप के निशाने पर है? पुलिस को अब इस केस में किसी साजिश के होने की बू आ रही थी। सर, फिल्म वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सर, देखा जाए तो बंटी और भूषण के डेथ में सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, जैसे कि दोनों को एक ही तरह के सांप ने काटा हो। दोनों के शरीर पे स्नेक बाइट मार्क्स और पॉइजन एक ही जैसा है। बड़ी अजीब बात है बट, एक ही टाइप के कितने सांप छुपे हैं बिल्डिंग में और आए कहां से? एक काम करो, बॉडी रिलीज करने से पहले सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करो। अब तो 100% मर्डर की बू आ रही है। सर, सोसाइटी के लोगों से पूछताछ करें। मेक सेंस। चल चलिए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला भूषण जी की मौत कैसे हुई? क्या उन्हें भी सांप ने काटा है? देखिए, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से तो ऐसा ही लगता है कि आपकी बिल्डिंग के गार्ड बंटी और सेक्रेटरी भूषण जी को एक ही प्रजाति के सामने काटा है, लेकिन अभी तक ऐसा। अर्ना आंटी सही कहती है, जोड़ा बदला लेने आया है, एक एक करके सबको मारेगा। देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। मुझे लगता है सर्प मित्र ने सांप को पकड़ा ही नहीं, बुद्धू बना गया हमें। नहीं साहब, वो सांप को तो मैं तभी जंगल में छोड़ दिया था। ये देखिए, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का रसीद है मेरे पास। एक बात बोलूं क्या, अगर वो सांप पकड़ा नहीं भी जाता था ना तो उसके काटने से किसी की मौत नहीं होती। क्यों? क्योंकि सांप की विष ग्रंथियों यानी वेनम ग्लैंड्स में फिर से जहर बनने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है। अभी तो 10 दिन ही हुए। तुमने जो सांप पकड़ा था वो रेजिडेंशियल इलाकों में पाया जाता है? नहीं, वो एक मालबार पिट वाइपर था। अंबोली गांव के आसपास के जंगल में मिलता है, मगर मुंबई के आसपास में कहीं पे भी नहीं। साहब काहीतरी लोचा है। एक तो वो सांप शहर आता नहीं, और अगर वैसे सांप ने सेक्रेटरी को काटा है तो वो सांप कहाँ से आया या वो सांप लाया कौन? अब ये तो हमें अंबोली गांव चलकर ही पता चलेगा, जहाँ ये सांप पाए जाते हैं। पता तो चले, एक ही जाति के 2 सांप जंगल छोड़कर शहर आए कैसे? एक काम करो, गाड़ी सपेरों की बस्ती की तरफ लो। सपेरों के बस्ती में जाकर पूछताछ की तो पता चला डगरू नाम का एक सपेरा है जो मलाबार पिट वाइपर पकड़ने में एक्सपर्ट है। चला डगरू ला भेटूया। सर काय झालं साहब? डगरू? हाँ साहब। सर ये तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड बंटी का बाप है, बॉडी लेने आया था। कहाँ रे दगड़ू? जब बॉडी लेने आया था तब तो कुछ बोला नहीं, अभी बहुत तारीफ सुनी है तेरी कि तू वाइपर पकड़ने में एक्सपर्ट है। अब सीधा सीधा बताएगा जो सांप तेरे बेटे बंटी को काटा वो समर्पण सोसाइटी में कैसे आया? साहब मैं डर गया था साहब। ऐसा क्या किया था जो डर गया था? साहब मेरे को एक दिन बंटी का फोन आया, वो बोला कि जहरीला सांप मांगता है। मैं बोला काय को, पर वो बोला सिर्फ आप लेके आने का पैसा मिलेगा। मैं वैसा ही क्या साहब, पर बाद में मेरे को पता लगा कि मेरा इस बेटा सांप के काटने से मरा, तो साहब मैं डर गया, कुछ नहीं बोला किसी को। क्यों चला आया साहब? मैं काहे नहीं खेला साहब। सर सबसे पहले पार्क में एक सांप मिलता है जिसे बंटी ने मार दिया, और यहीं से किसी को आइडिया मिला कि सांप का इस्तेमाल किया जा सकता है मर्डर के लिए, और मर्डर प्लान करने वाला ये अच्छी तरह से जानता था कि बंटी का बाप सपेरा है। मतलब सोसाइटी का ही कोई आदमी है सारी प्लानिंग के पीछे। बट बंटी गया था सेक्रेटरी भूषण का ड्रेनेज पाइप ठीक करने, और बंटी वो आदमी है जिसने सांप अरेंज किया था अपने बाप के थ्रू। बट इसका मतलब ये हुआ कि प्लानिंग थी भूषण को मारने की, लेकिन सांप ने गलती से बंटी को ही डस लिया। और साहब दगड़ू बोला कि एक ही सांप, तो दूसरा सांप कहाँ से आएगा? क्योंकि बंटी तो पहले मर चुका था। फिर सर ये कौन हो सकता है जो सेक्रेटरी भूषण को मारना चाह रहा था? इसका जवाब हमें सोसाइटी से ही मिलेगा। नहीं साहब मला काहीच माहित नहीं। हमारी तो रातों की नींद हराम हो गई है। भूषण जी का किसी के साथ कुछ झगड़ा? हाँ सर, एक बाइक वाला उनसे टकराया था और उन लोगों ने उन्हें धमकी भी दी। कौन थे वो लोग? कोई जान पहचान वाला या आसपास की सोसाइटी से कोई? नहीं सर, यहाँ तो पहले मैंने उनको कभी नहीं देखा। सर मुझे उनका बाइक का नंबर याद है, MH02 2558 था। बट सर इस बाइक का पता लगाओ, मैं रोमा से मिल के आता हूँ। भूषण जी की बेटी है, मुझे कुछ तो पता होगा। रोमा जी, कुछ दिन पहले 2 बाइक वालों ने भूषण जी को धमकी दी थी। आप उनकी बेटी हैं, आपसे कुछ बात की थी उन्होंने? जी नहीं सर, पापा ने कभी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन हाँ सर, कुछ दिनों पहले पापा ने एक कपल को सोसाइटी से निकाला था। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तू देख अब मैं क्या करती हूँ। आपके पास वीना और उसके पति का कोई एड्रेस या नंबर है? हाँ सर, वो लोग टेनेंट थे तो ऑफिस के पेपर्स में होगा ही। थैंक यू। दामले, ये सोसाइटी ऑफिस से एड्रेस और नंबर लो और दोनों को उठा के लाओ। जी सर। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, यही कहा था ना भूषण को? हाँ सर, लेकिन हमारा मतलब वो सब नहीं था। हम दोनों तो बहुत पीसफुली रह रहे थे सोसाइटी में, लिव इन रिलेशनशिप है हमारी, और उसे क्या जरूरत थी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने की? तो इस वजह से मरवा ही दिया उस बेचारे को? नहीं नहीं सर, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हमें गुस्सा था उससे, बहुत गुस्सा था, लेकिन सर इतना नहीं कि हम उसकी जान ले लें। यही लोग जिन्होंने सेक्रेटरी को धमकी दी। किसने भिजवा था तुम्हें? साहब, इन्होंने पैसा दिया था, बोला बुड्ढे को तंग करने का, पर हमने कुछ नहीं किया साहब, मारने के लिए नहीं बोला था। तो ये था तुम्हारा बदला लेने का पहला स्टेप। सर मेरा बिलीव कीजिए, मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। भट सर क्या लगता है वीना इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है? सर मोटिव तो है पर छोटे मोटे बदले का, मर्डर का नहीं। मैंने दोनों के बारे में पूछताछ की और मुझे लगता नहीं कि इस मर्डर के पीछे वीना उसके पति का कोई हाथ होगा। लगता तो मुझे भी ऐसे ही। सर भूषण मर्डर केस की फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मौत सांप के जहर से हुई है, वाइपर के जहर से, लेकिन सांप के काटने से नहीं। सर शरीर पे जो सांप के काटने के निशान मिले हैं एक्चुअली वो सिरिंज के हैं, इस तरह बनाए गए हैं कि हमें लगे सांप ने ही काटा। कोई डाउट नहीं ये मर्डर है। दामले एक काम करो, पता लगाओ ये जहर आ कहां से सकता है। बंटी का बाप हमारी हिरासत में है, उसे तोड़ो, अगर उसे पता होगा तो वो बक देगा। हो सर तब तक हम ये पता लगाते हैं कि किसी की भूषण से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जो उसे इस तरह से मारा। गहरी नफरत की बू आ रही है इस मर्डर केस से। हम आपको क्या बताएं, अपने बाप से बात नहीं करती वो औरत। बेटी है, थोड़ा बाप के लिए सोचना चाहिए था। अपनी बच्ची को नाना के पास नहीं जाने देती थी। पर क्यों? वो नहीं चाहते थे कि बेटी की शादी अरुणा जी के घर में हो। भूषण जी ठहरे अमीर आदमी और दामाद मिडिल क्लास। तो आपको लगता है इसी वजह से? हमने ऐसा नहीं कहा, हमें जितना मालूम था वो आपको बताया। थैंक यू भट सर, मैं रोमा से मिल के आता हूँ। तुम इस बिल्डिंग में और लोगों से पूछताछ जारी रखो। भूषण जी इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी थे, बहुत से लोगों से दुश्मनी हो सकती है उनकी। हाँ सर मैं गुस्सा थी बाबा पर। दरअसल मैं अमन से प्यार करती थी और इन्हीं के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अमन के साथ हो, इसलिए उन्होंने एक दिन जाकर अमन के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी कि वो एक नाबालिग लड़की के साथ शादी कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका मानना था कि अमन मेरे लायक नहीं है, जबकि हम एक ही सोसाइटी में रहते थे, लेकिन पापा को ऐसा लगता था कि अमन और उनका स्टेटस मैच नहीं करता। देखिए सर मैंने फिर जाकर अपना बयान दिया पुलिस को, और मैंने सीधे साफ साफ कह दिया कि मैं बालिक हूँ और अपनी मर्जी से इनके साथ शादी करने जा रही हूँ। समय मानती हूँ कि मैं पापा पर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनका मर्डर प्लान करूंगी। रोमा का भाई। अमन प्लीज, भैया का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम क्यों ले रहे हो बीच में? एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें। क्या कह रहे थे आप इनके भाई के बारे में? सर रोमा का एक भाई भी है अभिजीत, अपने पापा से बिल्कुल नहीं बनती थी उसकी, बहुत नफरत करता था वो उनसे। शायद कुछ प्रॉपर्टी का मैटर था, वो 9th फ्लोर का फ्लैट बेचना चाहता था। हाँ बोलो दामले साहब। अम्बोली जंगल की बस्ती में सब जगह पूछताछ किया, कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि सांप का जहर आया कहाँ से। बंटी के बाप दगड़ू को भी धोया, लेकिन वो एक ही बात बोलता है कि उसको नहीं मालूम। दामले तुम पूछताछ जारी रखो, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि जहर आया कहाँ से ये केस सॉल्व नहीं होगा। हो साहब ठीक है। सर पता चला कि 408 में रहने वाली शर्मा फैमिली को भी सेक्रेटरी से प्रॉब्लम है। वो भूषण को सेक्रेटरी के पोस्ट से हटाना चाहते थे, हालांकि एक साल पहले तक भी दोनों फैमिलीज में सब कुछ ठीक ठाक था। चलो शर्मा फैमिली से बात करो। सर मिस्टर शर्मा, हमें पता चला है कि सेक्रेटरी भूषण के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या किसी ने आपको कुछ बोला? शर्मा जी एनसीसी की ट्रेनिंग ली है आपने? जी। कैंप्स में भी गए होंगे? जी। एनसीसी की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सांप से बचना कैसे है, और अगर सांप सामने आ जाए तो उसे हैंडल कैसे करना है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आपसे जितना पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। भूषण से क्या प्रॉब्लम थी आपकी? रुचका कौंदा लेके जाओ। सर वो सेक्रेटरी बहुत ही कमीना और नीच किस्म का इंसान है, उसने मेरी छोटी सी बच्ची को मॉलेस्ट करने की कोशिश की। बट भूषण के बारे में जो अभी पता चला वो बेहद शॉकिंग है। सोचा नहीं था इस केस में बच्चे के साथ मोलेस्टेशन का एंगल भी सामने आएगा। सर, अगर शर्मा की बात सही है तो भूषण के खिलाफ और लोगों की भी शिकायत होगी, पर इस बारे में कोई आसानी से बोलेगा नहीं। एक काम करो भट्ट, अपनी लेडी कांस्टेबल सुषमा को सोसाइटी में सादे कपड़ों में भेजो, उसे वहां के लोगों से बात करने दो। हो सकता है इस बारे में और भी बहुत कुछ सामने आए। अपने पिता की प्रॉपर्टी पे नजर थी तुम्हारी? सर, नजर जैसी कोई बात नहीं, मैं बस अपने पापा को समझा रहा था कि ये प्रॉपर्टी बेच देते हैं, अच्छी खासी कीमत मिल जाती और हम कहीं शिफ्ट हो जाते और मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प हो जाती, और वो राजी नहीं हुए। सर, तो ये रास्ता चुना तूने अपने पिता की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए? सर, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो ऐसी वैसी बातें करते हैं। जिस वक्त तुम्हारे पिता की मौत हुई कहाँ थे तुम? मैं एक ऑर्केस्ट्रा बार में था, दही सर में। और घर कब लौटे? क्योंकि तहकीकात के समय हमने तुम्हें घर में नहीं देखा। सर, मैं घर आया था लेकिन पैसे लेने, क्योंकि बार का पूरा पेमेंट मैंने नहीं किया था, वही लेने मैं घर में आया था, इसलिए मैंने पैसे लिए और 10-15 मिनट में मैं वहां से चला गया। अभिजीत, 10-15 मिनट बहुत होते हैं जहर का असर होने के लिए। देखिए सर, मैं मानता हूँ कि मेरी आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया है, और आप चाहें तो अफसर बार में कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे बारे में। बिना पूछे ही सफाई देनी शुरू कर दी। ठीक है, फिलहाल तुम जा सकते हो, पर याद रखना हमारी नजर है तुम पर। सर, भूषण के बेटे के पास खून करने की वजह तो है, लेकिन वजह तो शर्मा के पास भी है, क्योंकि उसकी छोटी सी बच्ची के साथ घिनौना जुर्म किया था भूषण ने। सर, सोसाइटी में पूछताछ जारी, लेकिन अभी तक किसी और ने भूषण के बारे में वैसा कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज करवाई। और कांस्टेबल गावड़े बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को भूषण से दूर रखते हैं, लेकिन सामने को कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। हाँ भट्ट, अक्सर बदनामी के डर से माँ बाप चुप रहते हैं, और यही तो वजह है कि बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज ही नहीं होती है, और ऐसे मुजरिमों के हौसले और बढ़ जाते हैं। एनीवेज भट्ट, तुम बिल्डिंग के आसपास से भूषण का पूरा बायोडाटा निकलवाओ, हर छोटी बड़ी जानकारी चाहिए मुझे, बेटी दामाद सबके बारे में सब। कोशिश करना छोटे बच्चों से बात करो, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर ऐसा सच बोल देते हैं जो बड़े बोलने से कतराते हैं। क्या और भी कोई बच्चा शिकार हुआ था उसके इस दुष्कर्म का? क्या उन्हीं में से किसी एक ने भूषण से अपना बदला लिया था? क्या फिर कोई और वजह थी इस हत्या की? हाँ बोलो दामले साहब, मला एक माहिती भेट लिया है। कुछ लोग हैं जो चोरी छुपके सांप का जहर निकाल के बेचते हैं। क्या? हाँ साहब, ये लोग सांप पकड़ने में एक्सपर्ट तो है, साथ में इसका जहर निकाल के बेच भी देते हैं। मैं उसके आगे भी पूछताछ करता हूँ। सर, सोसाइटी वालों से पता चला कि भूषण अक्सर बच्चों के साथ ही रहता था। इससे पहले भी कई लोगों ने उसकी हरकतों के खिलाफ शिकायत की, पर फैमिली वालों ने बात दबा दी। सब 2-3 लोग हैं, मैं उनका नाम और पता बताऊंगा, पर अपना नाम बीच में नहीं आना चाहिए। सर जल्दी बता, तेरा नाम नहीं आएगा। हाँ सर, ये रहा, ये देखो। साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। कह रहे समर्पण सोसाइटी में किसको सांप का जहर बेचा? साहब मैं बताता है साहब। साहब एक बाई थी साहब। आगे बोल, आगे बोल। साहब उसने मेरे को 5000 रुपया दिया, बोला कि किसी को बताने का नहीं। चेहरा याद है उसका? हाँ साहब। आप लोग घबराइए मत, हमें आपकी बिल्डिंग के सेक्रेटरी भूषण जी के कातिल का पता चल गया है। रोमा, चलो हमारे साथ, अरेस्ट करो इन्हें। कितनी नफरत अपने बाप से। नफरत? ये तो बहुत छोटा लफ्ज है सर। नाती थी मुझे उस आदमी से, उसने एक बार नहीं कई बार मुझे जीते जी मारा। ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? मैं 13 साल की थी। पापा आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं बेटा। क्या कर रही थी? स्टडी कर रही थी। क्या पढ़ रही थी? ग्रामर। पापा ये क्या? फिर 1 महीने बाद वो वापस से मेरे कमरे में आया। पापा नहीं। तो तुमने अपनी माँ से या किसी और से कहा नहीं? क्या कहती? माँ को कहीं ना कहीं सब पता था। मैं अंदर से टूट गई थी। मुझे किसी आदमी की परछाई से भी डर लगता था। फिर एक रोज अमन मेरी जिंदगी में आए। मुझे धीरे धीरे उन पर भरोसा होने लगा। मुझे विश्वास हुआ कि वो मेरे पापा जैसे नहीं है, बल्कि वो एक अच्छे आदमी है। उन पे विश्वास करके मैंने उनका हाथ थाम लिया। सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन फिर एक दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी की गोद में मेरी बच्ची नहीं, मैं खुद थी। मेरा पूरा बीता हुआ बचपन मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। रिया, देखो बेटा, मम्मा आपके लिए क्या लाई है। हाँ, चलो मेरे साथ अंदर चलकर देखेंगे। हाँ, लेकिन इस बार उसने अपनी हद पार कर दी थी। उसकी गंदी नजर मेरी बच्ची पर थी। तभी तय कर लिया, इस आदमी को जीने का कोई हक नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सहवान को जिंदा नहीं रहने दूंगी। फिर सोसाइटी में एक दिन सांप निकला और मेरे दिमाग में एक प्लान बना, मुझे जहरीला सांप ला कर दो। मैडम? फिर बंटी सांप लेकर आया। मैंने बंटी से कहा कि वो सांप मेरे पापा के वॉशरूम में रख दे, मगर बंटी की किस्मत खराब थी सर। उस सांप ने बंटी को ही काट लिया। फिर मैंने जहर बेचने वाले आशुतोष से जहर खरीदा। हेलो पापा। अरे रोमा, तुम? हाँ मैं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ अचानक? मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाप बेटी बैठकर कुछ पुरानी बातें कर ले। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आओ बैठो। वैसे मेरा कॉफी पीने का मन था, आप पियेंगे ना मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी? हाँ पीऊंगा। मैं अभी लेकर आई। हाँ बहुत सुकून मिला मुझे उस आदमी को मरता देखकर। चैन की नींद सोई। चाहती तो थी कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं, लेकिन फिर बेटी की चिंता थी इसलिए चुप रही। मैं अपने आप को तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बचा लिया। मैंने जो किया, जो उसका कोई अफसोस नहीं। रोमा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पिता ने बहुत घिनौना जुर्म किया तुम्हारे साथ। हाँ, ये सही है कि तुम छोटी थी, किसी से बात नहीं कर पाई, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। अगर तुम कानून की मदद लेती तो शायद तुम आज अपनी बेटी के साथ होती। गुस्सा और नफरत हमें ही खत्म करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी और को खत्म कर दिया। रोमा के हाथों जो जुर्म हुआ उसका बीज उसके बचपन में ही बोया गया था। यह एक सबसे पवित्र रिश्ते का डंक था जिसका दर्द वो कभी भुला नहीं पाई। और अब जब उसने अपनी बेटी को भी उसी दुष्कर्म का शिकार होते देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अपने पिता की मौत की साजिश रची। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की खबरें हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि न जाने कितने मासूम बच्चे इस जुर्म का शिकार होते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सेक्सुअली अब्यूज्ड बच्चों की संख्या दुनिया के किसी भी अन्य देश से अधिक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के आंकड़ों के अनुसार एक सर्वेक्षण में उन्होंने 53% बच्चों को इस विकृति का शिकार पाया और ज्यादातर केसेस में बच्चों के शोषण के जिम्मेदार होते हैं उनके बेहद करीबी लोग। अगर बचपन में ही रोमा को उसकी माँ का सहारा मिला होता तो उसकी जिंदगी की कहानी कुछ और होती, लेकिन अक्सर माता पिता, करीबी रिश्तेदार ऐसे शोषण की जानकारी मिलने के बाद चुप्पी साध लेते हैं। डर होता है बदनामी का, जबकि डर होना चाहिए बच्चों के मन पर ऐसे शोषण के बुरे असर का। बच्चे उम्र भर ये कड़वी यादें लेकर बड़े होते हैं, लेकिन भुला नहीं पाते वो डंक, वो दर्द। याद रखिए, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता, जुल्म को चुपचाप सह लेने से हालात नहीं बदल जाते। आपकी आवाज आपकी जिंदगी बदल सकती है और किसी दूसरे की जान बचा सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। मामा तो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, कल मिलते हैं। रिश्तों की नाजुक डोर अगर गले में कसा फंदा लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उस रिश्ते में बंधे इंसानों से उसे निभाने में कोई गलती जरूर हो रही है। और अगर ये दो इंसान दो अलग अलग पीढ़ियों से ताल्लुक रखते हों तो भूल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हर पीढ़ी की सोच, जिंदगी को देखने का नजरिया और उसकी जरूरतें अलग होती हैं। अगर इन दोनों ही पीढ़ियों के लोग अपने बीच के इस अंतर को समझ कर एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल ना रखें तो जमीन तैयार होती है उस तरह के हादसे की जो कोलकाता में रहने वाली इन माँ बेटी रूपा और राशि के साथ घटने वाला था। क्या बदतमीजी है साले, रास्ता क्यों रोका है मेरा? बाबा ने बुलाया अभी। तुम अमार बेटे का विधवा हो इसलिए रहने दिया है यहाँ पर। अब हमने ये घर बेचने का निर्णय किया है, बिल्डर से बात भी पक्का हो गया है। तुम घर खाली कर दो। ये घर मेरा भी है बाबा। आपके बेटे की विधवा होने के नाते पूरा लीगल राइट है मेरा इस घर पे। आप मुझे ऐसे जाने को नहीं कह सकते यहाँ से। लीगलिटी हमको मत समझाओ, हमारा घर बेचने का निर्णय पक्का है। तुम तुम्हारे 20 लाख लो और जाओ यहाँ से। नहीं तो की कर भी तुम ही धमकी दे रहे हैं मुझे। आप चाहे जो बन पड़े ना आप लोगों से आप कर लीजिए, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं मानी वो, मुझे वो औरत घर से बाहर चाहिए, चाहे कैसे भी। I'm always there for you, Rashi. ये तू क्या कर रहा है? I love you, Rashi. Please. मैंने कभी सोचा भी नहीं इस बारे में। राशि, एक साल से साथ में हम यार। I really love you। मैं क्या हो गया अचानक? हमारा घर बेचने का निर्णय पक्का है। तुम तुम्हारे 20 लाख लो और जाओ यहाँ से। कि 9 बज रहे हैं, तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? मामा उसे जाने दीजिए। तुम चुप रहो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं घर पे ना हूँ तो कोई लड़का यहाँ पे आना नहीं चाहिए। क्यों आया? वो मामा मैं बता रही हूँ। तुम इसके आगे पीछे क्यों मंडराते रहते हो? आज के बाद अगर यहाँ दिखाई दिए ना तो फिर मामा क्या? ए, सुन राशि, 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 लिसन टू मी। राशि, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया तो फिर ये लड़का क्यों आया यहाँ पर? राशि, राशि, मेरी लाइफ में इंटरफियर करना बंद कीजिए। तुम्हारी लाइफ भी मेरी दी हुई है और ये घर भी मेरा है। यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी राशि। ठीक है, नहीं रहना मुझे आपके घर में। चली जाऊंगी एक दिन, और इसे धमकी मत समझना। जो करना है करो। जितना जल्दी हो सकता है खाली कर दे वो घर, नहीं तो जो होगा बुरा होगा। तो राशि नाम है तेरी लड़की का, कहीं उसे कुछ हो गया तो? मुझे लगता है तुझे पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। पुलिस? सब ठीक तो है ना मैम? हाँ हाँ सब ठीक है। और तुम्हें कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि अंदर आने से पहले दरवाजे पे नॉक करना चाहिए? वो कुछ फाइल्स पे आपके साइन चाहिए थे मैम। रख दो और प्लीज बाद में आना। जी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वो लोग चाहते हैं कि तू घर छोड़ के निकल जाए, इसीलिए तुझे डरा रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो तेरा। तो राशि नाम है तेरी लड़की का, कहीं उसे कुछ हो गया तो? अब क्या हुआ? किसे फोन लगा रही है? राशि को? कहीं वो लोग उसे तो कुछ? राशि का फोन बंद है। तू एक काम कर, स्कूल में फोन लगा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज मिसेस रूपा दास हियर, राशि की मम्मी। मुझे उसे एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। आप उसे बुला देंगी फोन पर प्लीज? वेट फॉर वन सेकंड। जी जी, मैं होल्ड करती हूँ। जी मैम। क्या? आर यू श्योर? क्या हुआ? राशि आज स्कूल ही नहीं पहुंची। राशि कहाँ है? बताइए बाबा, राशि कहाँ है? अभी सत्य बोल जी बाबा, राशि को कुछ भी हुआ ना मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। ये क्या बोल जी? राशि को क्या हुआ? अनजान बनने का नाटक मत कीजिए बाबा। गुंडे भेजे थे ना आप लोगों ने मुझे धमकाने के लिए। जब उससे कोई बात नहीं बनी तो मेरी राशि को मैं कह देती हूँ, मुझे बता दीजिए मेरी राशि का है। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमने भेजा था उसे? सीधे से समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी। बहुत अक्कड़ है ना तुम्हें। अगर मेरी राशि को कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी ना किसी को। मैं बोल रही हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पर छोड़ इसे रूपा, वक्त नहीं है हमारे पास, हमें राशि को ढूंढना है। रूपा छोड़ इसे। पता नहीं इन लोगों ने मेरी राशि के साथ क्या किया। कुछ नहीं होगा राशि को, कुछ नहीं करेंगे। तो चल मेरे साथ, तो चल यहाँ से। जिस बाइक पे गुंडे आए थे उसका नंबर याद है आपको? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो सर हमारी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरा है, शायद वहाँ से आपको कोई जानकारी मिल जाए। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको वहाँ से पता करो बाइक का नंबर, किसी का चेहरा या फिर और कोई क्लू जिससे उन्हें पहचाना जा सके। इतनी बड़ी बात होगी आपने बताया नहीं? तुम कौन हो? जी हम सब कलीग्स हैं, साथ काम करते हैं। हमें राशि के रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होंगे, कुछ पता चलते ही हम आपको कॉल करेंगे। सर। शंकर साहा, शंकर रुक। शंकर रुक। कहाँ भागेगा? कहाँ भागेगा? हैं? सलिल दास, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए बुलाया तुम्हें, और मुझे मेरे सवाल का सीधा और सच्चा जवाब चाहिए। राशि कहाँ है? लेकिन ये सवाल आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि राशि की मदद मिसेस रूपा दास ने अपने कंप्लेंट में लिखवाया है कि उनकी बेटी की गुमशुदगी को लेकर उन्हें तुम पे शक है। अच्छा, उसने कहा तो आपने मान लिया। अब कल वो बोलेगी कि सलील को फांसी पे चढ़ा दो तो आप मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। इसमें हमारा कोई गलती नहीं। ये जो भी हुआ वो तो एक ना एक दिन होना ही था। मतलब हमारा बाबू रूपा का चरित्र ठीक नहीं है। हमारा बेटा के जाने के बाद ना जाने उसका कितने लोगों के साथ संबंध रहा। लेकिन इसका राशि के मिसिंग से क्या कनेक्शन है? वो हम बताता। रूपा की देखा देखी राशि का पाँव भी बहकने लगा था और रूपा भी अपने माँ के पाँव के निशान को फॉलो करने लगा था। ना जाने कितने लड़कों से संबंध था उसका। जब उसका माँ घर पर नहीं होता था ना तो कौन कौन लड़का मिलने आता था उससे। इसके अलावा दिन रात लड़ाई होती थी माँ बेटी में, दोनों में जरा भी नहीं बनती थी। दो पॉसिबिलिटीज बनता है, या तो राशि अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़कर चली गई हो या फिर किसी लड़के के साथ भाग गई हो। मिस्टर दास, तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है, या तो आपने या फिर आपके बेटे ने रूपा को घर से बाहर करने के चक्कर में राशि को गायब कर दिया हो। ये सरासर झूठ है, गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। आवाज नीचे। जिस शंकर साहा को तुमने भेजा था वो अभी भी हमारी हिरासत में है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन राशि की मिसिंग में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। भले ही हमारे बीच रिलेशन अच्छे ना हो, लेकिन वो मेरी भतीजी है सर। मैं तो केवल उसको डराना चाहता था। सर, हमारे पास 3 सस्पेक्ट थे और तीनों से कोई क्लू नहीं निकला। क्या लगता है आपको? अभी कुछ भी करना जल्दीबाजी होगा। एक काम करो, राशि के दोस्तों से पता लगाओ, कोई बॉयफ्रेंड या कोई नज़दीकी दोस्त अगर कोई है तो ढूंढ के निकालो उसे। जी सर, एक लड़का है, प्रसन्नजीत नाम है उसका, वो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड है। जी हाँ, मेरा बेटा है प्रसन्नजीत, लेकिन वो तो कॉलेज गया हुआ है। गलत फहमी है आपकी, हमने पता किया है, आज वो कॉलेज गया ही नहीं और सुबह से मोबाइल फोन भी बंद है उसका, गायब हो गया वो। और वो राशि की माँ कह रही थी कि उस औरत की बात पे आपको इतना भरोसा है? एक नंबर की बच्चलन औरत है वो। उसकी बेटी भी वैसी है, जब देखो फोन करती रहती है और पता नहीं कितने लड़कों के साथ दोस्ती है उसकी। भाग गई होगी किसी के साथ। उसकी माँ मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। देखिए, कौन किसको फंसाना चाहता है इसका फैसला हम करेंगे, आप नहीं। फिलहाल हमें आपके बेटे की फोटो चाहिए। सर, राशि के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। 1 बजे प्रशांत ने कॉल किया, 2 बजे राशि ने कॉल किया। सर, जब हमने नंबर ट्रेस किया तो पता चला ये नंबर राशि के नाम पे है सर। प्रीपेड है? यस सर, लगभग 3 महीने पहले इशू करवाया है सर, शायद किसी को देने के लिए, शायद प्रशांत। और प्रशांत के बारे में और कुछ? ये नंबर जब हमने ट्रेस किया तो पता चला प्रशांत स्कूल के सामने मौजूद था जब राशि गायब हुई। यानी हो सकता है कि वो उसके साथ गई हो, अपनी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। सर, जब प्रशांत का फोन स्विच ऑफ हुआ, उसकी आखिरी लोकेशन आउटर कोलकाता का पिकनिक स्पॉट था सर। बारिश के मौसम में बहुत भीड़भाड़ रहती है, लेकिन आजकल सुनसान रहते हैं। चलो सर। अगर राशि प्रशंजीत के साथ थी तो इस सुनसान जगह में आए क्यों दोनों, और अगर आए हैं तो यहाँ से गायब कहाँ हो? सर ये भुट्टा वाला यहाँ भुट्टा बेचता है। प्रशंजीत और राशि का फोटो इसने पहचान लिया है। साहब, लड़का और लड़की आए थे यहाँ। लड़की शायद कुछ नाराज थी उससे, वो आगे आगे चल रही थी और लड़का उसके पीछे पीछे, और साहब वो दोनों वहाँ खड़े थे। लड़की कुछ बोलकर चिल्लाई और फिर दोनों में लड़ाई होने लगी। लड़ाई किस बात पे हुई, सुना तुमने? नहीं साहब, वो लोग बहुत दूर थे, मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ग्राहक आ गए तो मैं उनमें लग गया, फिर वो कहाँ निकल गए मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तुम जाओ। बात कुछ समझ नहीं आई सर। अगर राशि प्रशंजीत के साथ भागी है या फिर प्रशंजीत राशि को भगाकर ले गया है, तो सर एयरपोर्ट जाते, बस स्टैंड जाते, उस जंगल में क्यों आएंगे? और आए तो गए कहाँ? यह भी हो सकता है कि दोनों यहाँ से कहीं गए ना हो, अब भी यहीं पे हो। सर, यहाँ पर कुछ है। एम्बुलेंस बुलाओ और रूपा को खबर करो, और हाँ, रूपा और राशि से जुड़े हर इंसान की जांच करो। कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए, खुद रूपा भी नहीं, क्योंकि अगर प्रशंजीत ने राशि का कत्ल किया है तो इसकी वजह भी राशि से जुड़ी होनी चाहिए या फिर रूपा से। सर, रूपा के कैरेक्टर रिपोर्ट बहुत ही खराब है सर, और रूपा के जितने भी एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक ऐसा लगता नहीं है। राशि के जितने भी दोस्त हैं सबका यही कहना है कि राशि का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन क्या? लेकिन उसका पोस्टपेड नंबर जो खुद राशि के नाम पे है, लगभग इस नंबर पर रोज बात हुआ करती थी। लेकिन सर, गौर करने वाली बात यह, जब भी बात होती थी सुबह 9 बजे से पहले या फिर शाम के 5 बजे के बाद। और इस मोबाइल से एक SMS मिला है सर, जिसमें लिखा है विद योर मॉम कॉल यू लेटर। इसका मतलब है कि जो कोई भी ये कार्ड इस्तेमाल कर रहा है उसके पास रूपा और राशि दोनों के नंबर थे। जी हाँ सर। एक काम करो, रूपा के कॉल रिकॉर्ड चेक कर पाओ और पता करो कि ऐसे कितने और किस किस के नंबर हैं जो इन दोनों के कॉल लिस्ट में कॉमन है। ओके सर। सर, ये 2 नंबर कॉमन है सर। सर, इस नंबर पर राशि और रूपा लगभग रोज फ़ोन करती थी, लेकिन 6 महीने पहले अचानक दोनों ने एक साथ फ़ोन करना बंद कर दिया, और इसके बाद ही राशि ने नया फ़ोन नंबर लिया था। यानी राशि ने ये सिम उसे दिया होगा, लगता तो यही है सर। खुद बोलोगे या हम अपने तरीके से मुंह खुलवाएं? हाँ, मेरा रिलेशन था रूपा के साथ, राशि के साथ भी था, लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं किया सर, वो दोनों खुद आई थी मेरे पास अपनी मर्जी से। सर, 1 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी सर। रूपा मेरी सीनियर थी, अकेली थी, उसे साथ चाहिए था, मैंने साथ दिया सर। और रूपा के घर पर मेरी मुलाकात राशि से हुई। राशि? ये देवाशीष है, मेरे साथ बैंक में काम करते। देवाशीष ही मेरी बेटी राशि। हेलो, हाय। हाय। शुरू में कुछ खास बातचीत नहीं थी मेरी और राशि के बीच। मैं जानता था कि रूपा और राशि की रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है, इसीलिए मुझे वो अवॉइड करती है। पर एक दिन सर राशि का कॉल आया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। राशि तुम पूरा भीग गई हो, अब तुम अंदर बैठो, मैं डाल लेके आता हूँ। राशि ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जो तुम बोल रही हो वो राशि सही नहीं है। देखो, अगर मैंने बहुत कोशिश की सर राशि को समझाने की, कहा कि उससे कि जो वो चाहती है वो गलत है, पर सर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी, जिद पे अड़ी थी। एक हद के बाद मैंने भी हार मान ली सर। उसने ऐसा किया क्यों? उसके और तुम्हारी एज में बहुत डिफरेंस है। वो चाहती तो इतने इजीली उसको दूसरा लड़का मिल सकता था, फिर तुम क्यों? मैंने भी उससे यही सवाल पूछा सर, पर उसने कहा कि वो रूपा से बदला लेना चाहती है। कैसा बदला? सर उसका दम घुटता था अपनी माँ के साथ। सर उसको लगता था कि उसकी माँ ने उसकी खुशियां, उसकी आजादी, सब कुछ छीन लिया है, इसीलिए सर वो अपनी माँ के बॉयफ्रेंड को छीन के उससे बदला लेना चाहती थी। लेकिन इससे पहले वो ऐसा कुछ कर पाती, एक दिन सरप्राइज। मम्मा, हाउ कुड यू? मैं मार डालूंगी, गुड़ के लिए मैं मार डालूंगी तुम्हें। उसके बाद रूपा ने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, और तुम्हारा और राशि का रिश्ता? सर उसे मैंने तोड़ दिया, लेकिन राशि ने हार नहीं मानी सर। उसने मुझे मजबूर किया कि कुछ और नया सही तो एक दोस्त के तौर पे मैं उसके साथ रहूं, और अगर ऐसा मैं नहीं करूंगा तो वो सुसाइड कर लेगी। मुझे मजबूर होके सर उसे हाँ कहना पड़ा। पहले तुम रूपा के हाथों मजबूर हुए, फिर राशि ने तुम्हें मजबूर किया। बड़े मंजे हुए किस्म के मजबूर लगते हो तुम। इतनी मजबूरी में भी एक साथ दो औरतों का फायदा उठा रहे थे। तब तो वो पोस्टपेड नंबर भी तुम्हारा होगा जो राशि के नाम से रजिस्टर्ड था, और जिससे मरने के पहले उसने आखिरी बार कॉल किया था। सर वो नंबर भी मुझे राशि ने दिया था, ताकि उसकी मॉम को पता ना चल पाए कि हम अब भी बात करते हैं। अब सबसे आखिरी और अहम सवाल, राशि को क्यों मारा? सर मैं राशि को क्यों मारूंगा सर? सर आप गलत सोच रहे हैं सर, मेरी तो उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ फोन पे बात होती थी सर। फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने कुछ भी छुपाया है या छुपाने की कोशिश की है तो चुपचाप खुद वापस आ जाना। अगर दोबारा हमसे मेहनत करवाई तो हमारी अगली मीटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जैसी इस बार रही, समझे? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैंने उसके एक दिन पहले सर मैंने उसको प्रपोज किया था सर, पर उसने मुझे मना कर दिया। मेरा दिल टूट गया था सर। उसके दूसरे दिन सर मैं उससे मिलने भी गया था सर, उसके स्कूल। उसके बाद तुम उसको शहर से दूर ले गए, जंगल के उस पिकनिक स्पॉट पे, क्यों? राशि, लव यू राशि। ये बात करने के लिए मुझे यहाँ लेकर आया? अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करती, एक बार में कोई बात समझ नहीं आती तेरे। जाओ ना। उसके बाद सर मैं उसे वहीं छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो गायब क्यों हो गए तुम? कॉलेज भी नहीं गए थे, मोबाइल भी बंद था तुम्हारा। मेरा मूड खराब था सर, मैं इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था। घर पे जब सर शाम को फ़ोन किया तो मॉम ने बताया कि सर राशि मिसिंग है। आप लोग आए थे सर मुझे ढूंढने, तो मैं डर गया सर, क्योंकि मैं ही राशि को वहाँ लेके गया था। उसके बाद जब पता लगा कि राशि का मर्डर हो गया है तो सर मैं और डर गया, तो थोड़ी देर मॉल चला गया सर और वहीं पर थोड़ा सा वक्त बिताया। फिर सर मैं दोस्त के घर छिप के रहने लगा। सर, देवाशीष और प्रशांजित दोनों सही बोल रहे हैं सर। जिस दिन राशि गायब हुई थी उस दिन पूरा दिन देवाशीष बैंक के अंदर ही था, बैंक से निकला ही नहीं सर। और सर पोस्टमार्टम के हिसाब से 10:30 बजे राशि की मौत हुई सर। जिस मॉल का प्रशांजित ने जिक्र किया था उस मॉल के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 10:35 पर प्रशांजित मॉल के अंदर एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवाशीष ने राशि को नहीं मारा, प्रशांजित कतर के वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। रूपा के इन लॉस को उसको धमकी देने के बजाय सिर्फ उसको डराना था, यानी कि राशि की मौत की वजह ना तो पैसा था, ना एक तरफा प्यार, और ना ही देवाशीष से उसका टूटा हुआ रिश्ता। ऐसी सूरत में सिर्फ एक ही शख्स था जिसके पास उसके कत्ल की वजह थी। कौन सर? राशि की मां रूपा दास। राशि ने उससे बदला लेने के लिए उसके बॉयफ्रेंड को चुराया और उसकी मां ने इस बात का बदला लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया। हेलो What? सर, ये है इस केस के इवेंट्स विद एग्जैक्ट टाइमिंग, राशि का गायब होने से लेकर रूपा के सुसाइड तक, और ये है उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स। ये देखिए सर, इससे साफ पता चलता है जब भी कुछ हुआ वो वहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन सर इस बीच जितने भी कॉल उसको आए उसने पिक नहीं किए सर। कॉल का मिस होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दोनों बार एग्जैक्ट टाइम पे। एक काम करो, हेलो शर्मा जी, मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। इस बार कहानी तू नहीं मैं बयां करूंगा, वो भी सच्ची कहानी। राशि को भी तुमने मारा है और उसके बाद रूपा को भी तुमने ही मारा है, लेकिन दोनों मर्डर करने के बाद भी तुम हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। बैंक की पार्किंग के सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बयां कर दिया है। राशि की मौत के दिन सुबह 6 बजे तुम बैंक में आए और 9:15 बजे अपनी गाड़ी में बैठ के बाहर जाते हुए दिखते हो। जब राशि की मौत के 1 घंटा पहले तुम बैंक से निकले ही नहीं, तो वहां के सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्डिंग में कैसे दिख रहे हो? सर आप क्या कह रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद राशि के मर्डर स्पॉट पे एक भुट्टे वाले ने भी तुम्हारे फोटोग्राफ को पहचान लिया है। मैंने रूपा से प्यार करता था ना राशि से, तो उन्होंने सामने से आके रिश्ता जोड़ा था मुझसे। मैंने सोचा था जब तक चलेगा चलाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। लेकिन एक दिन राशि गाड़ी में जाकर बैठो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ जाकर गाड़ी में बैठो। कि हुआ तो बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मेरी बेटी है वो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालोगी। तुमने मेरी बेटी को गंदा कर दिया। नहीं नहीं रुको प्लीज नहीं नहीं। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, उसे कोई संभालने वाला होता तो आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ती मैं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसने थूका था मेरे मुंह पे, मेरा प्रमोशन रुकवा दिया था, सबके सामने ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती करती थी। Is this how you work? I want this report rectified today. मैंने सोच लिया था कि रूपा से बदला लेके रहूंगा, इसीलिए मैंने राशि से रिश्ता नहीं तोड़ा, बस सही वक्त आने का इंतजार करता रहा। और फिर राशि ने एक दिन सामने से फोन किया, कहा कि वो रूपा की ज़्यादतियों से परेशान है, कहीं दूर जाके जिंदगी बिताना चाहती है। और मैंने उससे कहा कि अगले दिन मुझसे आके मिले। मैं अपना फोन बैंक में छोड़कर उसके पास गया। राशि, ये क्या है? हम आज से एक नई लाइफ शुरू करने वाले हैं। ये मेरे पापा की थी, उनकी आखिरी निशानी। राशि, प्रॉमिस कि इससे और तुम्हें हमेशा जिंदगी भर संभाल के रखो। अच्छा, अपनी आंखें बंद कर। क्यों? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है? अभी बताता हूँ, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। जल्दी करो ना, मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हो। हाँ, मंगलसूत्र है। अगर बदला रूपा से लेना था तो राशि को क्यों मारा? क्योंकि राशि में रूपा की जान बसती थी। मैंने सोचा अगर राशि को तकलीफ दूंगा तो रूपा पल पल तड़पेगी, इसीलिए मैंने राशि को मार दिया। और रूपा? रूपा को मालूम पड़ गया था कि राशि को मैंने मारा है। वो कैसे? रूपा क्यों मारा मेरी राशि को? राशि को मैं क्यों मारूंगा? फिर ये क्या है? ये नहीं बचोगे, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास, फांसी पर चढ़वा के रहूंगी मैं तुम्हें। रुको, छोड़ो मुझे। रूपा, रूपा उसके बाद तुमने रूपा की लाश को सुनसान ब्रिज के नीचे फेंक दिया ताकि हमें लगे कि उसने सुसाइड किया है। जुर्म या अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमें अपना शिकार तभी बनाता है जब हम उसे ऐसा करने का मौका देते हैं। हम सब ने उस साइकिल को जरूर देखा होगा जिसे बच्चा पहली बार चलाना सीखता है। उसके पिछले हिस्से में दोनों तरफ दो पहिए लगे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बच्चे को गिरने से बचाते हैं, उसे सहारा देते हैं। एक बच्चे के जीवन में भी माँ बाप का रोल कुछ ऐसा ही होता है कि वो उसे जीवन के रास्ते पर अकेले आगे बढ़ने दें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उसे सहारा दें, उसे संभालें। रूपा जैसे माता पिता के साथ साथ राशि जैसे बच्चों और हमारी युवा पीढ़ी को भी ये समझना होगा कि उन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, लेकिन इस जिंदगी को जीने का एक सही तरीका भी होता है जिसे उनके माता पिता उनसे बेहतर जानते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए उन्हें समझने की, उनसे सीखने की, ताकि आपके रिश्तों में वैसी दरारें ना आ पाएं जैसी कि रूपा और राशि के रिश्ते में आई, ताकि उनका फायदा कोई तीसरा ना उठा पाए जैसा कि देवशीष ने उठाया। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख। हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.